प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज यहां पर अपने सफर को पूरा करते हुए पहुंच चुका है। देखिए तस्वीर भी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से पीएम मोदी का ये पूरा सफर गंगा की गोद से तय करते हुए वो आगे यहां पर पहुंचे हुए हैं, बस उनका काफिला अब देखिए किस तरह से आपको इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा होगा। बेहद खास ये पल है, वो रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी के साथ, वाराणसी के साथ, जिसका जिक्र वो खुद एक बार नहीं कई बार करते हुए नजर आए। और यही वजह है कि गुजरात की राजनीति से जब केंद्र की राजनीति में आए तो वाराणसी को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना, और न सिर्फ चुना बल्कि इसके विकास के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पिछले 6 सालों में पीएम मोदी के जरिए किया जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वाराणसी को अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से शामिल रखा। कई ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसे हैं, कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जो काशी में चल रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर बदलने में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 6 सालों का अगर जिक्र करें इन तस्वीरों के साथ में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे अहम भूमिका यहां पर रही है, 18,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट जो हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास अब तक हो चुका है, जिनमें से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सबसे अहम धार्मिक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आया और जिसे पूरा कर लिया गया। एक वो सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसों पहले देखा था और सत्ता पर काबिज होने के बाद आखिरकार उस सपने को साकार कर लिया। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके अलावा भी हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस ललिता घाट से देखिए किस तरह से अंदर की तरफ यहां पर अब जाएंगे और उसके बाद विश्वनाथ धाम में, विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के सामने माथा टेकते नजर आएंगे। अमित एक बार फिर से आपकी तरफ आना चाहेंगे, क्या तस्वीरें? देखिए मैं तस्वीरों के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इस वक्त जो है वो क्रूज जो है वो ललिता घाट पर लग चुका है और किसी भी पल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इसी क्रूज में है और वो इसी क्रूज से वो बाहर निकल सकते हैं। जो सुरक्षा में जो जवान तैनात हो वो काफी अलर्ट मुद्रा पर मौजूद है और जो एक प्रोटोकॉल होती है, गाड़ियां आकर ललिता घाट पर लग चुकी हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं प्रधानमंत्री के काफिले की वो लग चुकी है ललिता घाट पर, क्योंकि ललिता घाट से काशी विश्वनाथ परिसर को जो मुख्य परिसर है उसे जोड़ा गया है, जो मान्यता थी कि श्रद्धालु गंगा में स्नान करें और गंगा जी में स्नान करने के बाद जल ले और जल जाकर बाबा विश्वनाथ को अर्पित करें, तो इसलिए कॉरिडोर जो है वो बड़ा बनाया गया है। और आप यहाँ का काफिले में देख सकते हैं कि एक गाड़ी आकर ललिता घाट पर रुकी है, दूसरी तरफ क्रूज है, तीसरी एक तस्वीर मैं दिखाऊं कि हर तरफ देखिए लोग दौड़ते हुए भागते हुए उस क्रूज के आसपास पहुंचना चाहते हैं, लोग अपने छतों के ऊपर हैं कई लोग, और यहाँ पर जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस सबसे बाहरी सुरक्षा घेरे में होता है, जो कई लेयर की सिक्योरिटी होती है प्राइम मिनिस्टर की, जो उसमें से जो सबसे जो बाहरी लेयर होता है वो लोकल पुलिस होती है। तो लोकल पुलिस हमारे तस्वीरों में यहाँ पर आ सकती है, हम देख सकते हैं, हम लगातार अपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। दूसरी एक तस्वीर देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बोट्स पर जो सुरक्षा में तैनात एसपीजी सिक्योरिटी और जो तमाम दूसरे सुरक्षा एजेंसीज होती हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहती हैं, वो किस तरीके से छोटे छोटे बोट्स पर है। अब जो क्रूज है, क्रूज एकदम घाट के समीप आकर लग चुका है, यानी प्रधानमंत्री किसी भी वक्त अगर इस क्रूज में सवार हैं तो प्रधानमंत्री किसी भी वक्त वो बाहर निकल सकते हैं इस क्रूज से। तो जो समय था कि प्रधानमंत्री काशी कॉरिडोर आएंगे, ठीक उसी समय में वो पहुंचे हैं। और हम काशी कॉरिडोर की बात करें, काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें, बनारस की बात करें, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जिस तरीके से 2014 में प्रधानमंत्री ने अपना संसदीय क्षेत्र बनारस चुना, वाराणसी चुना, काशी चुना, हम कई नाम है इस शहर के जो जिससे भी चाहे हम पुकार सकते हैं। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जो कहा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर कि पूरे काशी का भव्य और दिव्य तरीके से इसका डेवलपमेंट होना है, ताकि ये टूरिज्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाए, यहाँ के लोगों को रोजगार बढ़े, और जिस तरीके से धर्म से यहाँ काशी जुड़ा हुआ है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर को और दिव्य और भव्य बनाने की का प्लान जो है 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सामने रखा था। ये अगर हम देखें तो जब देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल, और इस दौरान हजारों साधु संत जो हैं उनको निमंत्रण दिया गया है, 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारी यहाँ पर मौजूद होंगे, जलाभिषेक किया जाएगा, डमरू वादन होगा, वाद्य यंत्रों से पूरी काशी गूंजती नजर आएगी। साथ ही साथ जिस तरह से 51 से
प्रसिद्ध पीठों के पुजारियों को भी निमंत्रण दिया गया है और हर कोई इस निमंत्रण के बाद बेहद खुश भी नजर आया। वो प्रतिक्रियाएं भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था, काल भैरव के दरबार में माथा टेकने के बाद, वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने अपने सफर को आगे बढ़ाया और ललिता घाट पर आप देखिए जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ रही हैं, उतर चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरी तरह से जो काशी है वो गुंजयमान होगी। दुल्हन की तरह तो काशी